हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आपके साथ एमपीपीसीएस के पुराने वर्षों के प्रीलिम्स के पेपर डिस्कस कर रहे हैं और हमने यहाँ पे टाइम फ्रेम रखा है 2013 वर्ष से 2018 तक। हम यहाँ पे ऑलरेडी आपके साथ पार्ट वन डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे हमने वर्ष 2013 से शुरू करते हुए 2015 तक में आए हुए सभी सवालों को और उनके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया। आज हम लोग इसके पार्ट टू पे आ गए हैं। पार्ट टू पे बेसिकली बचे हुए 2016 वर्ष से 2018 तक के सवालों को हम डिस्कस करेंगे। भाई, सब्जेक्ट हमने ले रखा है यहाँ पे पॉलिटी, सोसाइटी एंड राइट्स, यानी इस सब्जेक्ट से संबंधित सभी सवालों को हम अपने इस वाले लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे 2016 में आए हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन। जो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है वो है एक स्कीम के बारे में। स्कीम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो देखिए, अगर आप स्कीम के नाम पे गौर करें तो इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, ग्राम और दूसरा सड़क, यानी ग्रामीण इलाकों के बारे में है ये। दूसरी बात, आपको यहाँ पे सड़क को कंस्ट्रक्ट करना है। तो बेसिकली क्या है, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो अभी अनकनेक्टेड हैं, ऐसे अनकनेक्टेड हैबिटेशंस को सड़क के कंस्ट्रक्शन के तहत हम लोगों को जोड़ना है मेन स्ट्रीम इंडिया से। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऑल वेदर रोड बनाने की कोशिश करेंगे। वो इसलिए क्योंकि अगर आप कच्ची रोड बना के रख देंगे तो बारिश होगी और ये रोड ख़राब हो जाएगी, उस रोड का फिर मतलब नहीं है। तो इससे बढ़िया हम लोग ऑल वेदर रोड बनाएं। तो अगर आप इसके अब ऑब्जेक्टिव्स पे ध्यान दें जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कनेक्टिंग विलेज टू मेन रोड। तो देखिए, विलेज को कनेक्ट करेंगे तो विलेज का विकास हो पाएगा, वो स्ट्रीमलाइन में आ पाएगा, वो आगे बढ़ पाएगा। तो पहला सही होना चाहिए। और दूसरा है कैसे करेंगे कॉन्क्रीट रोड बना के, तो ये बात भी सही है। आपको रोड के कंस्ट्रक्शन के तहत ग्रामीण इलाकों को आगे लाना है, उनको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बोथ ए एंड बी। तो एक बार इससे जुड़े हुए डिस्क्रिप्शन को देखते हैं। ये जो स्कीम थी सरकार ने लॉन्च की थी 25 दिसंबर वर्ष 2000 में, फोकस था कि हम एक ऑल वेदर अनकनेक्टेड हैबिटेशंस में एक्सेस पहुँचाएँ। एक्सेस कैसे पहुँचाएँगे हम, एक्सेस पहुँचेगा रोड के कंस्ट्रक्शन से। तभी स्कीम का नाम है सड़क के थ्रू ग्रामीण इलाकों को कनेक्ट करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है, आप सड़क तो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो आप सोचेंगे भाई ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड के अंतर्गत आनी चाहिए स्कीम, वही मिनिस्ट्री इसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे ग्रामीण इलाकों के विकास पे हमने फोकस किया है। अगर आप उसको मेन स्ट्रीम इंडिया के साथ कनेक्ट कर देंगे, अभी तक वो अनकनेक्टेड थे, तो उसमें अपने आप डेवलपमेंट होने लगेगा। जब इस रूरल एरिया का डेवलपमेंट होगा और इसी के ऊपर फोकस किया जा रहा है, तो यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन की मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखें। और उसके अलावा ये स्कीम एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि इंट्रोड्यूस की गई थी श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। यह भी स्कीम पर ही बेस्ड है, ये है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये जो एक्ट है, सवाल पूछ रहा है कब, कौन से वर्ष में ये पास किया गया, 2004 में, 5 में, 7 में या फिर 10 में। तो देखिए, ये जो मनरेगा एक्ट है इसको पहले नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट भी बोला जाता था और ये पास किया गया था 7 सितंबर 2005 को। फोकस क्या था, फोकस था कि रोजगार हमको बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है जिसके तहत सोशल सिक्योरिटी दी जा सके पूरे भारत में। इस एम्प्लॉयमेंट के जनरेशन से हम लोग रूरल एरिया के विकास के ऊपर फोकस करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे रूरल एरियाज का विकास हो रहा है, उनका डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये स्कीम चलाई किसके द्वारा जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा। ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है सिवाय उनके जहाँ पे पूरी की पूरी पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ शहरी इलाकों में रहती है। जो ये एक्ट है ये बेसिकली कुछ ऑब्जेक्टिव को अपने अंदर लिए हुए है। सबसे पहला, ये 100 दिन की गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट देने के ऊपर फोकस करता है। और कैसी, अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट। अब ध्यान रखें, यहाँ पे आपको स्किल्ड लेबर होने की ज़रूरत नहीं है मनरेगा में काम करने के लिए। अगर आप अनस्किल्ड हैं, आपको किसी भी तरीके का कोई स्पेसिफिक काम नहीं भी आता है, तो भी इसमें आप आके कम से कम 100 दिन की गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं। अनस्किल्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यहाँ पे एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। उसके अलावा इकोनॉमिक सिक्योरिटी तो आएगी क्योंकि आपके पास पैसा आ रहा है। साथ में आप ये देखिए कि आजकल क्या ट्रेंड देखा जा रहा है, आजकल ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों से लोग माइग्रेट करके शहरी इलाकों की तरफ जा रहे हैं। तो लोग अर्बन एरियाज़ में जा रहे हैं क्योंकि उनको अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है,
उनको लग रहा है कि अगर वहां पे वो नौकरी करेंगे तो वो अच्छा पैसा कमा पाएंगे। तो अगर आप इस माइग्रेशन को रोकना चाहते हैं तो आपको रूरल एरिया में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेंगी, उनको यहाँ पे वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा जिससे कि वो इस तरीके का ही माइग्रेशन में इन्वॉल्व ना हो। तो मनरेगा जो है उसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि इस तरीके के माइग्रेशन को कम करना, क्योंकि अगर ऐसा माइग्रेशन बढ़ता है तो अर्बन एरियाज़ पे ये बात तो निश्चित है कि जो लोड है वो बढ़ जाएगा, तो वो ओवरलोडेड हो जाएंगी, उसके पास कैपेसिटी तो लिमिटेड है, ना रहने की सही जगह है, ना वहाँ पे एजुकेशन का सही और इनफ प्रावधान है सभी लोगों के लिए, एक्सेसिबल नहीं है, अफोर्डेबल नहीं है। तो फिर जो लोग भी माइग्रेट करके जाते हैं इन लोगों को काफ़ी अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है जिसकी वजह से बीमारियाँ फैलती हैं और उनका जो लेबर आउटपुट है वो भी कम हो जाता है। तो ये माइग्रेशन रोकना ज़रूरी है। कैसे रुकेगा? मनरेगा में हमने कोशिश की है इस तरीके के माइग्रेशन को रोकने की। यहाँ पे जो फंड की बात करें तो जो केंद्र सरकार है वो सारा खर्चा उठाती है अनस्किल्ड लेबर का, और जो भी मटेरियल लगा है कोई भी इसके कार्य को करने में, समझ लीजिए मनरेगा के तहत हम लोग एक छोटी सी बिल्डिंग बनवा रहे हैं तो उसमें सीमेंट लगा है, उसमें बजरी लगी है, उसमें पानी लगा है, तो इसका 75% जो कॉस्ट है वो बेयर करती है सेंटर, बाकी बेयर करेगा स्टेट। तो ये कुछ तथ्य हैं मनरेगा से जुड़े हुए, इनको आप ज़रूर ध्यान रखें। फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन उस समय करंट अफेयर्स से आया था लेकिन हमने सोचा आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने कौन से इंस्टीट्यूशन को एक केज्ड पैरट बताया, यानी पिंजरे में बंद तोता, यानी उसकी ऑटोनॉमी पे सवाल उठाए गए हैं। तो फिलहाल में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केज्ड पैरट है और उसकी ऑटोनॉमी पे सवाल उठाए हैं, और इनडायरेक्टली ये चीज़ दिखाई है कि पॉलिटिकल विम्स पे जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो आजकल काम कर रही है, वो अपनी ऑटोनॉमी खो चुकी है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पॉपुलेशन डेंसिटी से संबंधित, और ये सेंसस से उठाया गया क्वेश्चन है। पूछा गया है पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम कौन से राज्य की है। सबसे पहले डेंसिटी क्या है ये जान लेते हैं। देखिए ये कोई पर्टिकुलर एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग मौजूद हैं उसको आप कहेंगे डेंसिटी यहाँ की कितनी है। अब मैं आपको दो यहाँ पे केस लेके समझाता हूँ। समझ लीजिए इतना बड़ा एरिया है, यहाँ पे सिर्फ 4-5 लोग मौजूद हैं, तो इनके पास घूमने फिरने को बहुत सारी जगह है, तो यहाँ की डेंसिटी जो है वो कम है। लेकिन अगर एरिया उतना सा ही है और उसमें बहुत सारे लोग हैं छोटे छोटे, तो यहाँ पे आपको बहुत कंजेस्टेड माहौल फील होगा। तो ये कंजेस्टेड जहाँ फील होगा उसका तात्पर्य ये है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया डेंसिटी सबसे कम कहाँ की है, तो क्योंकि सेंसस का क्वेश्चन है तो इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है, आपको डायरेक्टली इसको याद रखना पड़ेगा कि भाई सबसे कम जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश की, और कितनी है? 17 पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के अगर आप एरिया को देखें तो उसमें सिर्फ आपको 17 लोग ही मिलेंगे ऑन एन एवरेज। और अगर वहीं पे आप देखें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है, तो वो है दिल्ली की, जहाँ पे 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में आपको 11,000 से ज़्यादा लोग देखने को मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं कितना डिफरेंस है, यहाँ पे सिर्फ 17 और यहाँ पे 11,297। तो इसीलिए दिल्ली जो है वो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड है और ये लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड है। फिर क्वेश्चन है नीति आयोग के बारे में। क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन व्यक्ति नीति आयोग के साथ एसोसिएटेड है। क्या वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, कौशिक बासु हैं, अमर्त्य सेन हैं, या फिर चिदम्बरम हैं? तो एक बार इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। देखिए पहले तो नीति जो वर्ड है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो एन से हो गया नेशनल, आई से इंस्टीट्यूट, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग का टी यहाँ ले लिया और आई इंडिया का ही ले लिया, तो ये हो गया आपका नीति आयोग। है क्या? पॉलिसी बनाने के पीछे एक थिंक टैंक है, यानी एक ग्रुप है जो पॉलिसी के निर्माण के लिए सोचता है। वो बताता है कौन सी पॉलिसीज भारत के लिए सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे यहाँ पे खास जोर दिया गया है, यानी कि स्टेट के इन्वॉल्वमेंट पे यहाँ पे खास इंपॉर्टेंस दी गया है, एम्फेसिस किया गया है, और ये बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है, यानी नीचे के लेवल से सबको साथ लेके चला जाए। तो हम लोग स्टेट्स को भी एक साथ लेके चल रहे हैं। ये प्लानिंग कमीशन का सक्सेसर है। प्लानिंग कमीशन को 2015 में हटा दिया गया था, और प्लानिंग कमीशन जो था वो टॉप डाउन मॉडल को फॉलो करता था। वहाँ पे स्टेट्स को इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलता था किसी भी प्लानिंग प्रोसेस में, लेकिन यहाँ पे दिया गया है। इसमें कौन कौन होता है? इसकी एक काउंसिल है जिसको
बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जिसमें चीफ मिनिस्टर सभी स्टेट्स के, चीफ मिनिस्टर दिल्ली और पौंडीचेरी के, लेफ्टिनेंट गवर्नर अंडमान निकोबार के, और वाइस चेयरमैन जो कि प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करें। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। कब बना ये? 1 जनवरी 2015 को बना। 2015 में ही जब प्लानिंग कमीशन ख़त्म हो गया तब नीति आयोग आ गया। हेडक्वार्टर्स है इसका दिल्ली में। इसका चेयरपर्सन है हमारे पीएम, वाइस चेयरपर्सन है राजीव कुमार, और सीईओ है अमिताभ कांत। तो ये नीति आयोग से संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनके डिटेल्स को आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है फिर से एक्ट के बारे में है। ये एक्ट है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का। अब देखिए 1894 में ये लाया गया था, तो निश्चित तौर पे ब्रिटिश सरकार ने इसको लाया होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो भी ऑप्शन में आपको दे रखे हैं वो सही नहीं है। तो सबसे पहले 1894 में लाया गया था, तो ब्रिटिश रूलर द्वारा लाया गया था, ये बात सही है। उसके बाद अभी इस एक्ट को रिप्लेस कर दिया गया है 2013 के एक एक्ट के साथ, जिसका नाम है LARR एक्ट, यानी कि लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट। तो इसकी डिटेल को अगर हम थोड़ा स्टडी करें तो देखिए तीसरा वाला ऑप्शन यही है कि इस वाले एक्ट को अभी रिप्लेस कर दिया गया है एक दूसरे एक्ट के साथ, तो ये बात भी सही है। और क्योंकि ये एक्ट लैंड एक्विजिशन से डील करता है, तो ये कई लोगों के इस तरीके से लैंड एक्वायर कर लेगा जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, तो ये विवाद का कारण तो बनेगा ही, डिस्प्यूट का कारण बनेगा, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डिस्प्यूटेड भी रहा है। तो ये तीनों बातें सही हैं। अल्टीमेटली सेकेंड वाला ऑप्शन इसका गलत है, और ये यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा ट्रू नहीं है। तो इस तरीके से अगर आपको इसकी बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन भी है तो भी आप ये वाला क्वेश्चन सही कर सकते हैं एलिमिनेशन टेक्निक से और लॉजिक से। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि पहला स्टेट के तौर पे क्वालिफाई करता है लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनने वाला, यानी भाषा के आधार पे जो भी स्टेट्स बने उसमें सबसे पहला कौन सा है? राजस्थान है, आंध्रा है, मध्य प्रदेश है, या फिर कर्नाटका है? तो हम ये देखते हैं कि जो पहली स्टेट फॉर्म हुई थी लैंग्वेज के बेसिस पे वो थी आंध्र प्रदेश, और कब हुई थी? ये हुई थी 1953 में। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए आपको ध्यान रखना है। ये सब हो कैसे रहा था? देखिए भारत की आज़ादी के बाद लगातार कुछ कुछ पॉलिटिकल मूवमेंट चल रहे थे जहाँ पे स्टेट्स को डिवाइड करने के ऊपर डिमांड रखी जा रही थी, और उनका बेसिस क्या होना चाहिए? लिंग्विस्टिक, यानी भाषा के आधार पे स्टेट का सेपरेशन होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक तेलुगु स्पीकिंग स्टेट बनाने की डिमांड रखी गई, जिसकी वजह से 1953 में आंध्र प्रदेश का क्रिएशन हुआ और मद्रास स्टेट से उसको तोड़ के अलग कर दिया गया। उस समय जो आंध्र प्रदेश बना था उसके बेसिकली दो कल्चरल रीजन थे, एक था रायलसीमा, दूसरा था कोस्टल आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 में, जिसके तहत आंध्र प्रदेश को पहला स्टेट कंसिडर कर लिया गया जो कि भाषा के आधार पे रीऑर्गेनाइज किया गया, और उसको इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर सेपरेट स्टेट का दर्जा मिल गया। तो यहाँ पे आपको याद रखना है पहला स्टेट ऐसा कौन सा था? वो था आंध्र प्रदेश। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये वापस से पंचायती राज के ऊपर क्वेश्चन आया है। पंचायती राज का क्वेश्चन ये है कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने इनमें से क्या रिकमेंड किया? दो टीयर स्ट्रक्चर होना चाहिए, तीन होना चाहिए, विलेज लेवल पे होनी चाहिए सारी पावर, या फिर इनमें से कुछ भी नहीं? हमने ये पहले भी डिस्कस किया अपने पार्ट वन में। बलवंत राय मेहता कमेटी ने कहा कि 3 टीयर स्ट्रक्चर होना चाहिए। फिर उसके करीब 20 साल बाद 1977 में अशोक मेहता कमेटी ने रिकमेंडेशन दिए। उन्होंने कहा कि भाई ये 3 टीयर स्ट्रक्चर सही नहीं है, इसको रिप्लेस कर दो 2 टीयर स्ट्रक्चर के साथ। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या बात की, तो आपको बोलना है कि उन्होंने कहा पंचायती राज को 3 टीयर सिस्टम में रखा जाए, जहाँ पे अलग अलग 3 टीयर में गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाया जाए। लेकिन अशोक मेहता कमेटी इस बात का विरोध करती है और कहती है 3 टीयर नहीं चाहिए, 2 टीयर होना चाहिए। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि भाई वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये फ्रेज हमारे संविधान में कहीं पे इस्तेमाल की गई है। आपको बताना है कि ये शब्द कहाँ इस्तेमाल किए गए। क्या ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में है, फंडामेंटल राइट्स में है, सिटीजनशिप में है, या फिर प्रीएम्बल में है? तो देखिए ये जो हमारे शब्द हैं इनका इस्तेमाल किया गया है भारत के प्रीएम्बल में। ये आप प्रीएम्बल यहाँ पे देख सकते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यही वाला वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था। अब क्योंकि हम प्रीएम्बल की चर्चा कर रहे हैं तो कुछ और बातें यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए आपको यहाँ पे ट्रिक है S3DR, इसको याद रखना है। S3DR मतलब क्या है? सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इन केस आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए कि इन शब्दों को ऑर्डर वाइज अरेंज करिए कि प्रीएम्बल में कैसे कैसे लिखे गए हैं, तो इस ट्रिक से आप इसको
काफ़ी हद तक कर पाएंगे। उसके बाद आपको रखना है याद JLEF, तो इसमें बताया गया है, देखिए JLEF में पहला J है जस्टिस का, L है लिबर्टी का, E है इक्वालिटी का और F है फ्रैटर्निटी का, यानी भाईचारे का। अब आपको एक और इसमें चीज़ याद रखनी है कि J की कैसे बात की गई है, J की बात करिए SEP के फॉर्म में, सेप यानी सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए। और एक आपको इसमें इक्वालिटी याद रखना है कि इक्वालिटी किस किस चीज़ में होनी चाहिए, एक तो आपके स्टेटस की इक्वालिटी हो, मतलब किसी को ऐसे कम स्टेटस का या ज़्यादा स्टेटस का नहीं बताया जाए, इस तरीके की डिस्क्रिमिनेशन डिफ्रेंसिएशन नहीं होने चाहिए। और अपॉर्चुनिटी में इक्वालिटी होनी चाहिए, मतलब अगर कोई जॉब ओपनिंग है, कोई एक अपॉर्चुनिटी है, तो पूरे भारत के सिटीजन्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी के तौर पर प्रोजेक्ट करनी चाहिए। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है S3DR, JLEF और J में आपको SEP और E में आपको S और O। तो ऐसे कुछ आप वर्ड प्ले के ट्रिक्स बना सकते हैं जिससे आप ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें याद रख सकते हैं। उसके अलावा प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है, प्रियम्बल में डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखी गई है, यानी कि 26 नवंबर 1949, जिस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था, वो भी डेट यहाँ पर मैंशनड है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब प्रियम्बल में कुछ चेंजेस किए गए हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, कुछ नए वर्ड्स इसमें जोड़े गए हैं, आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कौन कौन से नए शब्द यहाँ पे जोड़े गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, और उस समय कौन सा लीडर था जिसके अंडर ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, तो आप बताइए, फिर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अब हम चलते हैं 2017 में आए हुए क्वेश्चंस के डिस्कशंस की तरफ। देखिए, ये जो पहला क्वेश्चन है, ये है प्रेशर ग्रुप्स के बारे में, कह रहा है इनमें से कौन सा एक प्रेशर ग्रुप कंसिडर किया जा सकता है, क्या लोकसभा के मेंबर्स यानी कि जो MP हैं, क्या आप उनको कंसिडर कर सकते हैं प्रेशर ग्रुप के तौर पे? हाँ, लोकसभा के यहाँ पे स्पेशली लिखा है, मेंबर्स जो पंचायत के हैं क्या उनको प्रेशर ग्रुप माना जा सकता है, जो कैबिनेट के मेंबर हैं क्या उनको मान सकते हैं, या फिर ट्रेड यूनियन के मेंबर को आप प्रेशर ग्रुप कंसिडर कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले ये जानना ज़रूरी है प्रेशर ग्रुप आखिर होता क्या है। तो अगर हम डिस्क्रिप्शन देखें तो देखिए, प्रेशर ग्रुप क्या है, एक संगठन है, ग्रुप ऑफ पीपल जब एक साथ इकट्ठे होते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइज एक्टिविटी एक साथ मिलके करते हैं जिससे कि उनका खुद का या कोई कॉमन इंटरेस्ट प्रमोट हो सके या फिर उसको डिफेंड कर सकें। ये एक वाइटल लिंक है गवर्नमेंट के और सिटीजन्स के बीच में। देखिए, क्योंकि जो प्रेशर ग्रुप हैं, ये बेसिकली सिटीजन के वेलफेयर के लिए कोई मुद्दा उठाते हैं और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं। नाम इनका प्रेशर ग्रुप इसीलिए है क्योंकि ये सरकार पे प्रेशर बनाते हैं कि सिटीजन फ्रेंडली पॉलिसीज अडॉप्ट की जाएं, या फिर सिटीजन में किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को टारगेट करती हुई उनके तरफ झुकी हुई पॉलिसीज को अडॉप्ट किया जाए। इसकी वजह से सरकार जो है ज़्यादा रिस्पॉन्सिव रहती है और वो कम्युनिटी को, सिटीजन्स को ज़्यादा तवज्जो देती है। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो ट्रेड यूनियन के जो मेंबर हैं वो साथ में ऐसे एक संगठन बना के लेबर की वेलफेयर की पॉलिसीज़ के लिए एक सरकार को प्रेशराइज कर सकते हैं। तो उस हिसाब से प्रेशर ग्रुप्स में अगर आप बात करें तो मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन होंगे। तो यानी अगर हम ऑप्शन में देखें तो डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। अब अगला क्वेश्चन ये है कि जो राज्य सरकार है और जो केंद्र सरकार है, ये अपनी पावर कहाँ से डिराइव करती है, संविधान से, प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से, या फिर पार्लियामेंट से? देखिए, अगर आप इसको लॉजिकली भी करने की कोशिश करें तो देखिए, प्राइम मिनिस्टर तो हैं जो एक पार्टी के किसी के मेंबर होते हैं, जैसे समझ लीजिए अभी BJP के मेंबर हैं, तो जो भी राज्यों में कांग्रेस सरकार है अगर वो इनसे पावर डिराइव करती होती तो एक बायसनेस आ सकती थी, एक पार्शियलिटी हो सकती थी, इसलिए प्राइम मिनिस्टर नहीं हो सकते। अगर पावर डेरिवेशन की बात है तो कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो ईजिली मॉडिफाई ना की जा सके, जो कहीं पे लिखी हुई बात ये स्पष्ट करे कि इसकी इतनी पावर है, उसकी उतनी पावर है, तो वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही है यहाँ पे। तो आपको याद रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अपनी पावर जो है वो संविधान से डिराइव करती हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। सवाल पूछ रहा है कि कब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को संविधान में इंक्लूड किया गया। जब संविधान को हम फ्रेम कर रहे थे, क्या तब किया गया? 26 जनवरी को किया गया जब संविधान अपने इफेक्ट में आया। उसके अलावा क्या 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के दौरान किया गया या फिर 41st के दौरान किया गया? देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं क्या, अभी हमने इससे पहले जाना फंडामेंटल राइट्स क्या हैं। सिटीजन्स के कुछ मौलिक अधिकार हैं जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी तरीके के गलत एक्शन के
अगेंस्ट, भले ही स्टेट का हो, भले ही सेंटर का हो, किसी भी गवर्नमेंट का हो, तो ये जो है सिटीजन के हैं। फिर हमने देखा डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या है? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं स्टेट के ऊपर कि भाई अगर आपको गवर्न करना है अपने एरिया को तो आप ये चीज़ें करें तो आप बेहतर तरीके से गवर्न कर पाएंगे। ये हमने देखा था जस्टिफिएबल, जस्टिफिएबल है यानी कि अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट भंग करता है तो आप तुरंत उसके खिलाफ जा सकते हैं किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में। हालांकि डीपीएसपी इस तरीके से नहीं है, नॉन जस्टिफिएबल है। इसका मतलब अगर डीपीएसपी में लिखा है कि सरकार गरीबों के हित के लिए एजुकेशनल प्रोग्राम चलाए जहाँ पे गरीबों को फ्री में एजुकेशन दी जा सके, लेकिन अगर सरकार बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं है, अगर कोई पिछड़ा हुआ सेक्शन है हमारे भारत का, यानी कि कोई ऐसे स्टेट हैं जिनका रीजनल डेवलपमेंट अच्छा नहीं हुआ, तो वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होंगे कि वो किसी को फ्री में एजुकेशन बांट पाएं। तो अगर उन पे आप इस तरीके के ज़बरदस्ती के ऑब्लिगेशन लगाएंगे तो वो उस पे अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से डीपीएसपी को कोई मैंडेटरी या ऑब्लिगेटरी नहीं रखा गया। तो यानी अगर आपको सरकार फ्री में एजुकेशन नहीं दे रही तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोर्ट ऑफ लॉ में चले जाएं और वहाँ पर उसके खिलाफ केस दायर कर दें। तो ये तो थे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी। अब बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। अब भाई इसकी बात करने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। देखिए ये इमरजेंसी का टाइम था, इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी देश की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने सोचा कि भाई सिटीजन्स की भी अपने देश के प्रति कुछ ड्यूटी होनी चाहिए और उन ड्यूटीज़ को एक लिस्ट में एक पेपर पे उतारने के लिए इन्होंने कमेटी का गठन किया, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने कुछ ड्यूटीज़ के बारे में बताया कि भाई सिटीजन्स को अपने देश के प्रति ये ड्यूटीज़ निभानी चाहिए। उनकी बताई हुई ड्यूटीज़ को ज़्यादातर इंक्लूड कर लिया गया। एक आधी ड्यूटी जैसे कि टैक्स को पे करना भी ड्यूटी होनी चाहिए, ये सब चीज़ें वहाँ से हटा दी गई। तो ऐसे कुल मिला के उस समय 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जिक्र किया गया। और अभी हमने देखा था इमरजेंसी के समय जब इंदिरा गांधी थी तो उन्होंने 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया था, जिसके तहत संविधान में भयंकर तरीके से चेंजेस लाए गए थे और सरकार को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया था। इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंदिरा भी कहते हैं। तो ये जो 10 फंडामेंटल ड्यूटी थी इसी दौरान इंक्लूड की गई संविधान में। कुछ समय बाद एक और 11वीं ड्यूटी भी इंक्लूड की गई थी। तो अल्टीमेटली अब करेंटली फंडामेंटल ड्यूटीज़ टोटल 11 है। तो आप अगर डिस्क्रिप्शन देखें तो देखिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से 10 ड्यूटीज़ ऐड की गई। उसके बाद 86th अमेंडमेंट एक्ट आया 2002 में, उसके तहत 11वीं ड्यूटी ऐड की गई। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी, 1976 में इसका गठन हुआ था, उसने रिकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए। तो उसके बाद एक चैप्टर जोड़ा गया, एक पार्ट जोड़ा गया, एक आर्टिकल 51 न्यू ऐड हुआ और ये पार्ट 4A के अंडर ऐड हुआ। तो अगर हम अपने ऑप्शंस को देखें तो फंडामेंटल ड्यूटी कब जोड़ी गई, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत ये जोड़ी गई थी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इंडिया विजन 2020 के ऊपर। ये एक डॉक्यूमेंट है, ये किसने प्रिपेयर किया ये विजन पूछ रहा है। चार कमेटी के नाम दे रखे हैं, पी गुप्ता कमेटी, पंत कमेटी, मल्होत्रा कमेटी या नरसिम्हन कमेटी। ये जो है पहला स्टेटमेंट ये एसपी गुप्ता कमेटी है, इसका थोड़ा ध्यान रखें। अब देखिए जो नरसिम्हन कमेटी थी वो बैंकिंग से रिलेटेड थी। इंडिया विजन 2020 ये एक डॉक्यूमेंट था कि 2020 में इंडिया के डेवलपमेंट में क्या क्या होना चाहिए और किस किस स्फीयर में डेवलपमेंट होना चाहिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना होना चाहिए, सोशल कितना होना चाहिए। तो एक विजन थी, एक सोच थी कि 2020 आते आते हम लोग इस लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो बैंकिंग से डील नहीं करता यानी कि नरसिम्हन तो नहीं है। अब अगर हम लोग इसको डिस्क्रिप्शन से समझें तो देखिए प्लानिंग कमीशन जो थी उसने कॉन्स्टिट्यूट की थी एक कमेटी जून 2000 में डॉक्टर एस पी गुप्ता के अंडर, और उसका एम था इंडिया विजन 2020 को सामने लाना। तो एक रिपोर्ट प्रिपेयर की गई, रिपोर्ट के अनुसार जो मेंबर थे प्लानिंग कमीशन के डॉक्टर एस पी गुप्ता, इन्होंने कहा कि भाई आने वाले 2020 तक भारत की 1.35 बिलियन पॉपुलेशन ज़्यादा अच्छा खाना खा पाएगी, ज़्यादा अच्छा कपड़े पहन पाएगी, ज़्यादा अच्छा शेल्टर या फिर घर ले पाएगी, हेल्दी हो पाएगी, ज़्यादा एजुकेटेड हो पाएगी और उनकी जो लाइफ की लॉन्जिटिविटी होगी, जो उनकी ज़िंदगी का पूरा समय होगा, वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कोई भी जनरेशन जो अभी तक इस कंट्री ने देखी है। मतलब आने वाला जो 2020 है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है हर एक रिस्पेक्ट में। तो ये इंडिया विजन 2020 में बताया गया।
और अगर हम अपने ऑप्शंस पे देखें तो ये किसने प्रिपेयर किया था, ये एसपी गुप्ता कमेटी ने प्रिपेयर किया, ये खुद एक मेंबर थे प्लानिंग कमीशन के, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वापस से 5 ईयर प्लान का क्वेश्चन आया है, ये वाला 12th 5 ईयर प्लान से डील कर रहा है, पूछ रहा है कि इस 12th का पीरियड क्या था, कितने से कितने टाइम पे तक चला था ये। तो देखिए जो 12th 5 ईयर प्लान था ये भारत का लास्ट 5 ईयर प्लान था, इसके बाद कोई 5 ईयर प्लान नहीं आए, क्योंकि इसी बीच प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया और उसकी जगह ले आए हम लोग नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को। तो इसीलिए 12th 5 ईयर प्लान जो था वो हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान के तौर पे क्वालिफाई किया गया। अब इसका जो पीरियड था वो था 2012 से लेकर 2017 तक। अब अगर आप डिस्क्रिप्शन देखें तो देखिए इसका 2012 से 17 तक पीरियड था, भारत का लास्ट 5 ईयर प्लान था ये। इसका जो विजन था वो क्या था, इसका था कि हम फास्टर सस्टेनेबल और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ बढ़ पाएं। तो आप इस स्टेटमेंट को याद रखें, ये यूपीएससी में पुराने वर्षों में पूछा गया एक सवाल था, इसमें डायरेक्टली ये पूरी फ्रेज दी गई थी और आपसे पूछा गया था कि 12th 5 ईयर प्लान का विजन क्या है। तो आप याद रखें, फास्टर है, सस्टेनेबल है और ज़्यादा इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ हम बढ़ेंगे। फिर हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ये वापस से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से। तो हमने बात की थी NHRC और SHRC, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, बार बार लगातार इससे सवाल आते रहे हैं, तो इन दोनों टॉपिक को आप अच्छे से प्रिपेयर करें। ये क्वेश्चन कह रहा है जो चेयरमैन है उनका टेन्योर कितना होता है, क्या 3 साल है, 4 साल है, 5 साल है या 6 साल है। तो यहाँ पे जो टेन्योर होता है वो होता है 75, यानी 5 साल या फिर 70 साल, जो भी जल्दी हो जाए उतने टाइम तक माना जाता है उनका टेन्योर। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका 5 ईयर्स। और अब हम चलते हैं 2018 वर्ष में आए हुए क्वेश्चंस के डिस्कशन की तरफ। देखिए जो पहला सवाल है वो वापस से ऑर्डिनेंस पे है। हमने अपने पहले पार्ट में डिस्कस किया था ऑर्डिनेंस के बारे में, हमने देखा था जो 123 वाला आर्टिकल है वो पावर देता है प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस प्रोमल्गेट करने की, वहीं पे अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है गवर्नर की पावर क्या है ऑर्डिनेंस प्रोमल्गेट करने की और किस आर्टिकल के तहत वो उनको दी गई है। तो हमने देखा था अगर इसके आप नंबर थोड़े इधर उधर कर दें और इसको 213 बना दें 123 से, तो ये गवर्नर की पावर हो जाती है। तो इस तरीके से आपको प्रेसिडेंट की भी याद रहेगी, गवर्नर की भी याद रहेगी। एक है 123 और इसको चेंज कर दिया तो एक है 213, तो पहली वाली है प्रेसिडेंट की और दूसरी वाली है गवर्नर की, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 213। तो देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन, देखिए आर्टिकल 213 पावर देता है, उसके अलावा यहाँ पे जो ऑर्डिनेंस प्रोमल्गेट करनी है ये कब कर सकते हैं, जब ईदर ऑफ द हाउस जो है वो रिसेस में हो, और प्रोमल्गेट करने के लिए गवर्नर को सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसी एग्जिस्ट करती हैं जिसके तहत अभी के अभी इमीडिएट एक्शन लेना ज़रूरी है। तो उस इमीडिएट एक्शन के तहत क्या हो सकता है, वो यहाँ पे ऑर्डिनेंस प्रोमल्गेट कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट एक फैक्ट ये है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने काफ़ी चांसेस है कि गवर्नर कब कब ऑर्डिनेंस प्रोमल्गेट नहीं कर सकते, तो यहाँ कैन नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो वो ऐसे किसी भी एक्ट का ऑर्डिनेंस प्रोमल्गेट नहीं कर सकते जिस बिल को प्रेसिडेंट के सैंक्शन की ज़रूरत हो, यानी कोई अगर बिल है वो प्रेसिडेंट के सैंक्शन के बिना पास नहीं हो पाएगा, लेजिस्लेचर में नहीं रखा जा सकता, तो उस पर्टिकुलर बिल की ऑर्डिनेंस प्रोमल्गेट नहीं कर सकते गवर्नर। अगर किसी बिल में ऐसे कुछ प्रोविजंस हैं जिन प्रोविजंस के अनुसार गवर्नर को वो पर्टिकुलर बिल रिजर्व करना पड़ता प्रेसिडेंट के सैंक्शन के लिए, तो उस पर्टिकुलर बिल पे भी ऑर्डिनेंस पास नहीं करी जा सकती गवर्नर द्वारा, यानी पहला और दूसरा दोनों प्रेसिडेंट के सैंक्शन से डील करती हैं। और अगर इस तरीके का कोई भी एक्ट स्टेट लेजिस्लेचर पास करता और वो इनवैलिड होता बिना प्रेसिडेंट के एसेंट के, यानी कि जब तक एक्ट मान लीजिए SLA में पास हो गया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, अगर वहाँ SLC है तो वहाँ भी पास हो गया, फिर उसके बाद उसको प्रेसिडेंट का एसेंट ज़रूरी है, याद रखिए प्रेसिडेंट की बात हो रही है यहाँ पे। तो ऐसे केस में भी गवर्नर ऑर्डिनेंस नहीं लगा सकते। तो तीनों ही केस रिलेटेड टू प्रेसिडेंट है, दो में तो प्रेसिडेंट के सैंक्शन की बात हो रही है और एक में प्रेसिडेंट के एसेंट की बात हो रही है, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। बाकी जो भी ऑर्डिनेंस प्रोमल्गेट की जाएंगी वो सेम फोर्स सेम इफेक्ट रखेंगी एज एन एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की पोस्ट क्रिएट की गई, तो पहली बार कौन से वर्ष में ये क्रिएट की गई इंडिपेंडेंट इंडिया में,
क्या 51 में हुई, 52 में, 57 में या 62 में? तो देखिए, जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ऑफ इंडिया है उसकी पोस्ट पहली बार 1951 में क्रिएट की गई। ये वही वर्ष है जब हमारे 5 ईयर प्लान शुरू हुए और यहाँ पे फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा आया था। तो आप ऐसे याद रखें कि 5 ईयर प्लान्स जैसी बड़ी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको रखने के लिए, उनको लागू करने के लिए बहुत बड़े लेवल के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की ज़रूरत होगी। तो इसी वजह से ये सब सोचते हुए उस समय पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की पोस्ट क्रिएट की गई। ये रैंक होल्ड करते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट की और उन्हीं की तरह सेम एंटाइटलमेंट्स को इन्जॉय करते हैं। अब फिर ये जो अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कुछ स्पेशल स्टेटस जो किसी किसी स्टेट्स को दिया गया है उनके बारे में बताया है और पूछा है कौन सा यहाँ पे सही से मैच है, कौन सा मैच नहीं है। तो विच इज़ दिस नॉट करेक्टली मैच? तो देखिए, सबसे पहले दे रखा है आर्टिकल 371 का ए, बता रखा है वो नागालैंड के साथ क्या मैच्ड है। उसके बाद 371 का बी, क्या असम से डील करता है। 371 का सी, क्या मेघालय से डील करता है। और 371 का डी, क्या आंध्र प्रदेश से डील करता है। तो इसमें हमने आपको ये पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। इस लिस्ट को आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, इस तरीके के क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। देखिए, अगर मैं सिर्फ 371 की बात करूँ तो कुछ स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं महाराष्ट्र और गुजरात की स्टेट को, ये पर्टिकुलर आर्टिकल उन स्टेट से डील करता है। 371 ए की बात करूँ तो नागालैंड से डील करता है, बी की बात करूँ तो असम से डील करता है, सी की बात करूँ तो मणिपुर से डील करता है, डी की बात करूँ तो आंध्र प्रदेश से डील करता है। यहाँ पे हम लोग देखिए साउथ में आ चुके हैं। 371 ई की बात करूँ तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना होनी चाहिए आंध्र प्रदेश में, ये इस वाले पॉइंट से डील करता है। अगर एफ की बात करें सिक्किम से करेगा, जी की बात करें मिजोरम से करेगा, एच की बात करें अरुणाचल प्रदेश से करेगा, 371 आई की बात करें गोवा से करेगा, और जे की बात करें तो कर्नाटका से करेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे जनरली तो सारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दिया गया है, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस यहाँ पे बनाए गए हैं। उनके अलावा आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, गोवा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, इनके भी आपको याद रखने होंगे। तो ये लिस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपका सीधे सीधे एक क्वेश्चन ही निकलवा देगा। तो इस लिस्ट को आप याद कर लें। अब अगर हम लोग अपने क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस को देखें तो 371 ए जो है ये नागालैंड से डील करता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। जो बी है ये असम से डील करता है, ये भी ठीक है। लेकिन सी जो है वो मेघालय से डील नहीं करता, सी जो है वो मणिपुर के स्टेट से डील करता है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गलत है, लेकिन यहाँ पे गलत ही पूछा गया है, तो इस वजह से हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है लोकसभा में शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीट्स रिजर्व्ड हैं, क्या 59 है, 69 है, 79 है या फिर 84 है। देखिए, इसमें एक ऑर्डर की हमने बात की है, डिलिमिटेशन कमीशन ने 2008 में इसको इशू किया था। उसके अनुसार 412 सीट्स तो हैं जनरल की, 84 सीट्स हैं रिजर्व्ड शेड्यूल कास्ट के लिए और 47 सीट्स हैं रिजर्व्ड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। तो हमारे ऑप्शंस के अनुसार डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखें। अब यहाँ पे राज्यसभा में किस तरीके से सीट्स अलोकेटेड हैं इस बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेट दी गई है और उसके साथ संबंधित कितनी सीट्स उसकी राज्यसभा में रिजर्व्ड हैं या अलोकेटेड हैं ये बताया गया है। आपको यहाँ पे भी नॉट मैच करना है, मतलब तीन तो ऑप्शंस हैं जो सही से मैच हैं, एक ऑप्शन गलत है। तो यहाँ बोल रहा है कि आंध्र प्रदेश को 18 सीट्स दी गई हैं, उड़ीसा को 10 दी गई हैं, तमिलनाडु को 18 हैं और महाराष्ट्र को 19 सीट्स दी गई हैं। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि आंध्र प्रदेश का ये ऑप्शन गलत है। आंध्र प्रदेश को टोटल 11 सीट्स दी गई हैं राज्यसभा में। ये देखिए, आप यहाँ से आप समझ पाएंगे आंध्र प्रदेश की 11 हैं टोटल, उड़ीसा की 10 हैं, तमिलनाडु की 18 हैं, महाराष्ट्र की 19 हैं और यहाँ पे हमको एमपी का भी याद करना ज़रूरी है, तो एमपी की भी 11 सीट्स हैं। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वापस नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से है। हमने अपने पहले पार्ट में इसको अच्छे से डिस्कस किया है, अगर आपने वो पार्ट स्किप कर दिया तो प्लीज़ उसको देखें, क्योंकि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन से लगातार सवाल आते रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी 2019 में भी इससे सवाल पूछा जाएगा। तो इन दो चैप्टर्स पे आपको महारत हासिल करनी है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा है, कौन इनमें से एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं है एनएचआरसी का। हमने आपको अपने पार्ट वन वीडियो में बताया था कि एक्स ऑफिशियो मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो जो अपने ऑफिस की वजह से कहीं और कोई पोस्ट होल्ड कर रहा हो उसको कहा जाता है एक्स ऑफिशियो मेंबर। अब देखिए, ह्यूमन राइट कमीशन है तो जो भी आपकी यहाँ पे वल्नरेबल कैटेगरी होती है उनसे संबंधित जो भी कमीशंस हैं उन कमीशन के जो हेड हैं, जो चेयरमैन हैं, वो सब यहाँ पे एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। जैसे टोटल 6 हैं ये, एक है माइनॉरिटी, एक है वेमेन,
तो आपको यहाँ दिख जाएगी, एक है शेड्यूल कास्ट, एक है शेड्यूल ट्राइब, उसके अलावा एक है PWD और एक है बैकवर्ड कास्ट के चेयरमैन। तो ये सब लोग यहाँ पे एक्स ऑफिशियो मेंबर की पोस्ट होल्ड करते हैं, लेकिन लॉ कमीशन का कहीं नाम नहीं आया। एक्स ऑफिशियो से आप याद रखें वल्नरेबल, जो जो लोग वल्नरेबल सेक्शन में इंक्लूडेड हैं उन सभी की कमीशन के चेयरमैन यहाँ बैठेंगे। लॉ कमीशन तो कहीं से जिक्र नहीं आया, तो यहाँ पे ये एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में नॉट पूछा गया आपसे, तो ये आपका सही ऑप्शन होगा। फिर अगला क्वेश्चन वापस से NHRC के ऊपर ही है, इसमें पूछा गया है कि जो मेंबर्स होते हैं NHRC के उनका टर्म कितना होता है ऑफिस में, उनका टेन्योर क्या होता है। तो यहाँ पे जो मेंबर और चेयरमैन का टेन्योर है वो है 70:5, यानी कि या तो आप 70 साल के हो जाएं या फिर आपने 5 साल काम कर लिया, तो जो भी इन दोनों में से पहले होगा, जो भी यहाँ पे अर्लियर होगा, वहाँ पे आपका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा। अगर मान लेते हैं मैंने 67 की एज में ज्वाइन किया है, तो मेरे पास 70 की उम्र तक सिर्फ 3 साल ही है काम करने को, लेकिन मेरा 70 की उम्र में ख़त्म हो जाएगा। और वहीं पे अगर मैंने 60 की एज में ज्वाइन किया है, तो मेरे पास 5 साल मैक्सिमम होंगे, 65 में मेरा टेन्योर ख़त्म हो जाएगा। तो जो भी इन दोनों में से अर्लियर होगा, वहाँ पे आपका टर्म एंड हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा बी, 5 ईयर या फिर 70 ईयर्स। फिर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है IPC और ह्यूमन राइट को साथ में जोड़ते हुए। क्वेश्चन कह रहा है कुछ ऑफेंस हैं जो कि IPC के कुछ सेक्शन के अंदर डिस्क्राइब्ड हैं, जैसे सेक्शन 175, सेक्शन 178, सेक्शन 179, सेक्शन 180 या फिर सेक्शन 228। सभी ये सेक्शन किसके हैं? ये इंडियन पिनल कोड के हैं। अगर इन सेक्शंस के तहत कोई भी ऑफेंस किया जाए, तो फिर उस केस में ह्यूमन राइट कमीशन किसकी तरह काम करेगा? क्या क्रिमिनल कोर्ट होगा वो, क्या सिविल कोर्ट होगा, रेवेन्यू कोर्ट होगा, या नन ऑफ द अबव? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ऐसे में सिविल कोर्ट की तरह काम करता है ह्यूमन राइट कमीशन। आप एक चीज़ ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ऐसे नॉर्मली कोई भी कमीशन है वो कभी क्रिमिनल कोर्ट की तरह काम नहीं करती, सिविल कोर्ट की तरह ही काम करती है जनरली। तो आप यहाँ पे सिविल कोर्ट ऐसे भी टिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो है आर्म्ड फोर्सेस के बारे में। अगर कोई भी ह्यूमन राइट का वायलेशन है और आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा किया गया है, तो ऐसे में जो कमीशन है हमारी वो क्या करेगी? क्या वो अपने आप इंक्वायर करेगी? क्या वो पुलिस ऑफिसर्स को निर्देश देगी कि वो इंक्वायर करें? क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिपोर्ट मांगेगी, या इनमें से कुछ भी नहीं? तो देखिए, अगर इस तरीके की कोई कंप्लेंट्स से डील कर रहे हो जहाँ पे ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है, किसके द्वारा? आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा, ये चीज़ ध्यान रखें आप। तो ऐसे में कमीशन या तो खुद आगे बढ़ के भी इंक्वायर कर सकती है, या फिर कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कह सकती है कि आप हमको यहाँ पर रिपोर्ट दें। माफ़ कीजिएगा, मतलब यहाँ पे वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग सकती है रिपोर्ट, यहाँ पे वो खुद इंक्वायर नहीं कर सकती। उसको अगर मोशन खुद का चलाना है, अगर यहाँ पे उसको ओन मोशन भी चलाना है, तो भी पहले वो सेंट्रल से यहाँ पे रिक्वेस्ट करके रिपोर्ट मांगेगी। सेंट्रल ने इसको रिपोर्ट दे दी, उसके बाद ये अपना मोशन आगे बढ़ा सकती है। तो अगर हम क्वेश्चन को देखें तो इसके हिसाब से हमारा सी ऑप्शन सही रहेगा, जहाँ पे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिपोर्ट मांगेगी। उसके अलावा अगला सवाल है कि भाई कोई भी सिटिंग जज अगर हो हाई कोर्ट का, या फिर सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज हो, अगर उसको आपको अपॉइंट करना हो SHRC के मेंबर के तौर पे, तो वो इस अपॉइंटमेंट को करने से पहले किसका कंसल्टेशन हमको लेना पड़ेगा? गवर्नर का, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का उस पर्टिकुलर कंसर्न स्टेट के, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, या फिर प्रेसिडेंट? देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग हाई कोर्ट के जज को मेंबर के तौर पे नियुक्त कर रहे हैं, या फिर सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज, यानी कि अल्टीमेटली दोनों ही एंटिटीज जो हैं वो स्टेट के अंदर ही हैं, और स्टेट के केस में सबसे ऊंचा जो कोर्ट होता है वो होता है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में जो सबसे ऊंचा पद होता है वो होता है CJHC, यानी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो अगर आपको उस पर्टिकुलर स्टेट के जुडिशरी में कुछ छेड़छाड़ करनी है, इस तरीके से कोई मेंबर यहाँ पे अपॉइंट करना है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में, तो आपको वहाँ के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दैट कंसर्न स्टेट। अब फिर से अगला क्वेश्चन जो है वो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के ऊपर है। क्वेश्चन कह रहा है अगर चेयरपर्सन की जो गद्दी है वो खाली हो जाए किसी वजह से, यानी उसमें कोई वैकेंसी आ जाए, तो कौन इसमें ऑथराइज कर सकता है कि जो इसके मेंबर हैं वो इस गद्दी को ले ले टेम्परेरली, और वो चेयरपर्सन की तरह एक्ट करें कुछ समय तक? क्या वो CJHC कर सकते हैं, प्रेसिडेंट कर सकते हैं, चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कर सकते हैं, या फिर गवर्नर कर सकते हैं?
अब देखिए ये बात हो रही है SHRC की। SHRC में ये जो है स्टेट के मुद्दों को देखेगा, स्टेट के मुद्दों को देखेगा, तो यहाँ पे गवर्नर का रोल इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ऐसे केस में जब चेयरमैन की गद्दी आप समझ लीजिए खाली हो गई, तो ये पर्टिकुलर पोस्ट वेकेंट है, तो गवर्नर यहाँ पे कह सकते हैं कोई भी जो मेंबर है नीचे उसको चेयरमैन एक्ट करना पड़ेगा कुछ समय तक, जब तक ये वैकेंसी फिल नहीं हो जाती। तो इसका आंसर रहेगा गवर्नर। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है एक्ट से, वो कह रहा है हर एक मेंबर जो भी स्टेट कमीशन या फिर नेशनल कमीशन का है, या फिर हर एक ऑफिसर जो स्टेट कमीशन या फिर नेशनल कमीशन अपॉइंट करता है, तो ये पर्टिकुलर व्यक्ति क्या पोस्ट होल्ड करे होगा अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। क्या ये पब्लिक ऑफिसर होना चाहिए, क्या ये पब्लिक सर्वेंट होना चाहिए, क्या ये ऑफिसर होना चाहिए कमीशन का बस एक, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो भाई एक्ट कहता है अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो या तो NHRC में काम कर रहा है या फिर SHRC में काम कर रहा है, यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में काम कर रहा है, या फिर इन दोनों ने एक किसी अलग से ऑफिसर को ऑथराइज किया है कोई भी पर्टिकुलर केस देखने के लिए, तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट के तहत ये जो पर्टिकुलर ऑफिसर है ये होना चाहिए पब्लिक सर्वेंट। तो ये फैक्ट आपको याद करना है, ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और फिर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि स्टेट कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है एनुअली किसको, गवर्नर को, स्टेट गवर्नमेंट को, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। तो यहाँ पे देखिए आप एलिमिनेशन मेथड से मान सकते हैं कि CJHC और CJI को तो वो रिपोर्ट सबमिट नहीं करेगा, क्योंकि ये जुडिशरी का विंग है, यहाँ पे कोई इम्प्लीमेंटेशन वाली चीज़ें नहीं होती एज सच। तो या तो ये गवर्नर को करेगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट को करेगा। यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है क्योंकि स्टेट कमीशन का गठन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ही करती है, तो ये जो रिपोर्ट देगा ये अपनी रिपोर्ट भी स्टेट गवर्नमेंट को ही देगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये आगे क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा पॉलिटी, सोसाइटी और राइट्स का सेक्शन समाप्त होता है। हमने 2013 से लेकर 2018 तक के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस किया, कोशिश ये की कि उनसे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स आपके मन में क्लियर हो पाएँ। मैं उम्मीद करता हूँ इन लेक्चर सीरीज से कॉन्सेप्ट्स को पकड़ने में आपके पार्ट पे थोड़ी आसानी हो रही होगी, और आप पूरी लेक्चर सीरीज़ में मेरे साथ बने हुए हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।